हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे आपसे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी डिफिनेशन की बात करेंगे और उसके उद्देश्य की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के। तो पहले अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो मैंने यहाँ एक मीनिंग में लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंटिंग पीरियोडिकल व्यू और रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस बाई मैनेजमेंट एंड डील विद द status of the investment in the business and result achieved during the period under review। मतलब जो financial statement होता है वो prepared किए किसके लिए जाते हैं, एक periodical view को present करने के लिए या report या progress देने के लिए। ठीक है, मतलब ये होता है कि देखिए हम पूरे साल क्या करते हैं, अकाउंट्स की अलग अलग एंट्रीज करते हैं। कैसी एंट्रीज करते हैं, जैसे कि हमने कोई सामान परचेस किया, कस्टमर्स को सेल करना, अलग अलग एक्सपेंसेस को पे करना, इस तरह हम क्या करते हैं, बहुत सारे एंट्रीज के करते हैं। ठीक है, जो हम अपने बिजनेस या कंपनी में लगातार करते रहते हैं, मतलब एक साल खत्म होने पर यानी एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब आपको ये पता होगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या है, हम इसे क्यों बनाते हैं, तो बिजनेस में कितनी परचेज हुई है, कितनी सेल हुई है, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, इसमें कितना लॉस हुआ है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है हमें किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और इसीलिए हम इसे बनाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कितनी एसेट्स बिजनेस में मौजूद हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं जिन्हें हमें पे करना है, और पूरे साल में हमारे कितने खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, इन सब की जानकारी कौन देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात वित्तीय विवरण से ही मिलती है। अब यहाँ मैंने एक डिफिनेशन लिखी है कि डिफिनेशन एक ऑथर के द्वारा, जॉन एंड मेयर के द्वारा, इन्होंने ये डिफिनेशन दी है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एज ऑन अ सर्टन डेट एंड इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द सर्टन पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखाता है, एक समरी ऑफ अकाउंट्स, पूरी अकाउंट्स की समरी को दिखाता है एक बिजनेस एंटरप्राइजेस की, और बैलेंस शीट दिखाता है जिसमें हम सभी संपत्तियों, सभी दायित्वों को, कि कितने एसेट्स बिजनेस में मौजूद हैं, कौन कौन से लाइबिलिटीज जिन्हें हमें पे करना, और कौन पूरे साल में कितने खर्चे हुए, ये क्या बताता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स इसके दो होते हैं। उद्देश्य की बात करें, पहला होता है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ट्रू और फेयर व्यू दिखाना फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस को। इसका मतलब ये हुआ कि वित्तीय विवरण मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला उद्देश्य यही होता है कि इसमें किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में सही जानकारी मिलती है कि वह बिजनेस क्या है, कैसा चल रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसके बारे में हमें किससे पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इसलिए इसका पहला उद्देश्य यही होता है कि एक ये क्या प्रेजेंट करे, ट्रू और फेयर व्यू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाए। दूसरा उद्देश्य मैंने यहाँ लिखा है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या है, यहाँ परफॉर्मेंस था और यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन मींस वित्तीय स्थिति को क्या प्रेजेंट, ट्रू और फेयर व्यू दिखाना। इसका मतलब ये हुआ कि वित्तीय विवरण बनाने का दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि बिजनेस की क्या पोजीशन है, वो कैसा वर्क कर रहा है, ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिजनेस की एसेट्स कौन कौन सी हैं और कितनी हैं, और लाइबिलिटीज़ क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताता है कौन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई होप ये आपको मीनिंग और डेफिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के और उसके उद्देश्य आपको समझ में आए होंगे।